दोस्तों, जब से टीवी इंडस्ट्री के हैंडसम हंक सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर टीवी जगत में फैली है, तब से ही टीवी के कई सितारे सिद्धार्थ शुक्ला के गम में इतने लीन हो गए हैं कि उन्हें अभी किसी चीज का भी होश नहीं रहा। वो लगातार सिद्धार्थ को याद करते हुए आंसू पर आंसू बहाए जा रहे हैं, उन्हें याद करते हुए। पर क्या आप जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के पीछे आंसू बहाने वाले वो टीवी के सेलिब्रेट कौन कौन से हैं जो आप सिद्धार्थ को अलविदा कहते हुए खूब रो रहे हैं? तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं उन सभी सितारों से। नंबर 4, शरद मल्होत्रा। टीवी इंडस्ट्री के हैंडसम हंक शरद मल्होत्रा को बहुत दुख हुआ है जब से उन्होंने सिद्धार्थ की मौत की खबर सुनी है। ये सिद्धार्थ को काफी ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि इन्होंने कई अवार्ड फंक्शन उनके साथ अटेंड किए थे। ऐसे में अब इन्हें आगे से अकेले ही अवार्ड फंक्शन अटेंड करना होंगे, जिससे सिद्धार्थ की कमी काफी महसूस होगी। पास से रो रो कर बेहाल हो चुके हैं। इन्हें सिद्धार्थ का इस तरह से दुनिया को छोड़ कर चला जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो चाहते हैं कि सिद्धार्थ कैसे भी अब इस दुनिया में फिर से वापस आ जाएं, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। नंबर 3, अर्जुन बिजलानी। अर्जुन बिजलानी को अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला से बहुत लगाव था। जब भी उन पर लाचन लगता था तो ये सिद्धार्थ का ही पक्ष लेते थे, मगर आज सिद्धार्थ ने अकेला छोड़कर दुनिया से बहुत दूर चले गए हैं, जिसके चलते अर्जुन बिजलानी को एक सदमा लग गया है। पा रहे हैं और ना ही ठीक से बैठ पा रहे हैं। ये लगातार सिद्धार्थ को ही याद करते करते अपने आंसू ही बहाए जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि सिद्धार्थ अब इस दुनिया में नहीं रहे। नंबर 2, देवोलीना भट्टाचार्य। अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य वो एक्ट्रेस हैं जिन्हें अपने किसी भी साथी के गुजर जाने का सबसे ज्यादा गम होता है, और इन्हें ठीक सिद्धार्थ से भी गुजर जाने का बहुत दुख है। जब से इन्होंने सिद्धार्थ के अचानक डेट की न्यूज सुनी है, तब से इन्हें होश नहीं आ रहा है। ये बार बार अपने परिवार वालों को बुला रही हैं कि सिद्धार्थ इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। कैसे वो इस दुनिया से रुखसत हो सकता है, कैसे उसे भगवान अपने पास बुला सकता है। नंबर 1, पारस छाबड़ा। भले ही टीवी इंडस्ट्री के हैंडसम एक्टर पारस छाबड़ा की बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बनती ना हो, लेकिन जब से उन्होंने सिद्धार्थ की मौत की खबर सुनी है तब से उनका भी डिप्रेशन से बुरा हाल हो रहा है। ये रो रो कर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें उतना ही दर्द हुआ है जितना कि सिद्धार्थ के गुजर जाने से उनके परिवार वालों को हुआ है।